मित्रों, किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं हो सकता, आपकी पसंद अवश्य हो सकती है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के एल लेटर से शुरू होता है और मेष राशि है, उनके वर्ष 2025 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। मित्रों, ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में आपके स्वभाव की चर्चा कर लेते हैं। एल नाम वाले मेष राशि वाले लोग प्रेम संबंध के मामले में बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं, लेकिन एक बार अगर संबंध आपके बन जाते हैं प्रेम संबंध में किसी के साथ, तो उन्हें जीवन भर निभाने की चाह रखते हैं। सदा अपने संबंधों में जोश और उत्साह बनाए रखना चाहते हैं। मेष राशि एल नाम वाले लोग जो हैं, आप हर समय किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। आपके मित्रों की बात की जाए तो हर तरह के लोग आपकी लिस्ट में शामिल हैं, और आपकी ये विशेषता है कि आपकी मित्र मंडली में सभी तरह के लोग होंगे। और आपकी खासियत ये है कि आपके प्रेम संबंध हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, आप सभी जगह पर आगे रहना चाहते हैं। दृढ़ संकल्प वाले लोग हैं, उत्साह से भरे हुए हैं, मनोबल बहुत ऊंचा होता है। आपके भीतर हर बात को लेकर बहुत उत्सुकता रहती है। आप किसी काम को करने से कभी पीछे नहीं हटते, और एक बार जो लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। और अगर आपको किसी के साथ प्रेम संबंध आगे बढ़ाने हों तो आप इनको शुरू करने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, और प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने में बहुत शीघ्रता दिखा सकते हैं। जबकि आपको एकदम से शुरुआत नहीं करनी चाहिए, पहले आपको अपने साथी को समझना चाहिए, क्योंकि आप जिस साथी के साथ प्रेम संबंध में जा रहे हैं वो आपके योग्य है या नहीं है, क्योंकि आपके साथ वही लंबे समय तक साथ निभा सकता है जो आपके समान ही ऊर्जावान होगा। आप अपने प्रेम संबंध के बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहते और सभी से नजरें चुराना शुरू कर देते हैं और रोमांस प्रिय व्यक्ति होते हैं। चलिए प्रेम संबंध की बात करते हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के मामले में अगर हम देखें तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं और आपके राशि स्वामी जो हैं वो मंगल हैं। लेकिन यहाँ पर हम वार्षिक राशिफल की चर्चा कर रहे हैं, तो वार्षिक राशिफल में हम शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा कर रहे हैं, और सभी ग्रहों के आधार पर हम मासिक राशिफल में चर्चा करते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। प्रेम संबंध के मामले में अगर देखें तो शनि देव का जो गोचर है वो आय भाव में यानी कुंभ राशि में बना हुआ है 29 मार्च तक के समय में, और गुरुदेव का जो गोचर है वो आपके दूसरे भाव में यानी कि वाणी के भाव में मध्य मई तक बना हुआ है। राहु आपके 12वें भाव में रहेंगे, मीन राशि में रहेंगे, और केतु जो होंगे वो आपके कन्या राशि में 6ठे भाव में रहेंगे। ये 18 मई तक रहेंगे, 18 मई को केतु पंचम भाव में जाएंगे, और जो राहु हैं वो आपके एकादश भाव में यानी कि कुंभ राशि में जाएंगे। तो इस तरह की इन ग्रह गोचर स्थिति होगी चारों ग्रहों की, शनि, राहु, केतु और गुरु की। तो प्रेम संबंध के मामले में अगर हम देखें तो शुरुआत के समय में प्रेम संबंध के मामले में आपको ठीक ठाक परिणाम मिलेंगे, यानी कि सामान्य परिणाम मिलेंगे। शुरुआत में आपके रिश्ते अच्छे भी रहेंगे और आप अपने संबंधों को मजबूत करने की ओर प्राथमिकता देंगे। हालांकि धीरे धीरे संघर्ष आएंगे, क्योंकि 18 मई तक का जो समय है वो प्रेम संबंध के मामले में अच्छा रहेगा, यानी सामान्य रहेगा। यहाँ पर परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे प्रेम संबंध के मामले में। लेकिन 18 मई से जब केतु पंचम भाव में आ जाएंगे, राहु एकादश भाव में आ जाएंगे, तो वहाँ पर अगर हम देखें शनि आपके फिर 12वें भाव में चले जाएंगे, 29 मार्च से वो मीन राशि में चले जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रोमांस ज़्यादा रहेगा प्रेम संबंधों के मामले में। आपकी मुलाकातें भी होंगी, रोमांस भी होगा, लेकिन गलत फहमियाँ और शंकाएँ भी शुरू हो जाएंगी। तो 18 मई के बाद का समय जब केतु पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, आपके साथी के साथ कोई गलत फहमियाँ ना हो इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो फिर वहाँ पर तनाव देखने को मिल सकता है, आपस में बहस हो सकती है जिससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो अपने रिश्ते में अधिक समय दें और अपने संबंध को बनाए रखने के लिए कोई भी वाद विवाद ज़्यादा समय तक ना चलने दें। और अगर आप सिंगल हैं, किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, तो अपने साथी के साथ भरोसा बनाकर रखें, तालमेल बनाकर रखें, तभी आप उनको प्रस्ताव दें मित्रता के लिए या फिर शादी के लिए,
तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखकर चलें कि मध्य मई तक का समय ज़्यादा बेहतर है, और 18 मई के बाद जब केतु और राहु जो हैं आपके पंचम और एकादश भाव में आ जाएंगे, पंचम भाव में केतु आ जाएंगे और एकादश भाव में आपके राहु आ जाएंगे, तो वहां पर गलतफहमियां और शंकाएं देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि गुरु का गोचर मध्य मई में तीसरे भाव में आ जाएगा, मिथुन राशि में आ जाएगा, तो ये गुरु का गोचर सप्तम भाव पर पाँचवीं दृष्टि भी रखेगा, तो इसलिए आपके साथी के साथ जो भी वाद विवाद होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई साथी आए, या फिर किसी से मित्रवत संबंध है उनको प्रेम संबंध में बदलना चाहते हैं, तो वर्ष 2025 में ये इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, आपके जीवन में साथी की तलाश पूरी हो सकती है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए अगर हम देखें, अगर वो प्रेम संबंधों में हैं और अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने परिवार वाले लोगों को मिलाना चाहते हैं, परिवार के लोगों को मनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मध्य मई तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, आप अपने परिवार वाले लोगों से बातचीत कर सकते हैं या अपने साथी को परिवार वाले लोगों से मिला भी सकते हैं। मध्य मई के बाद आपके प्रेम संबंध में इस बात का ध्यान रखें, खासकर 18 मई के बाद का जो समय रहेगा वहाँ पर आपके प्रेम संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें किसी की सुनी सुनाई बातों पर अपने संबंध खराब ना करें और किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने संबंधों को ख़राब ना करें। अगर कोई भी शंकाएँ होती हैं, कोई भी गलतफहमियां होती हैं, तो अपने साथी से डायरेक्ट बात करें और उस गलतफहमी या शंका को ज़्यादा ना बढ़ने दें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। वैवाहिक संबंध की बात करें, सप्तम भाव में तुला राशि है, स्वामी शुक्र हैं, लेकिन हम यहाँ पर शनि गुरु राहु और केतु के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो शनि का जो गोचर है वो आपने देखा ही है, 29 मार्च के बाद 12वें भाव में चले जाएंगे, और आपके जो राहु हैं वो 18 मई को आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, तो वैवाहिक संबंधों में भी तालमेल बनाकर चलना होगा, जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना होगा। वर्ष की शुरुआत में ही अगर देखें तो आपके जीवन साथी के साथ कोई ना कोई वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। 15 मई तक के समय में इस बात का ध्यान रखें, हालांकि बाड़ी अच्छी रहेगी आपकी और ये वर्ष वैवाहिक संबंधों में मिश्रित परिणाम देगा, लेकिन मध्य मई में जब गुरुदेव तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो आपके साथ में भाव पर दृष्टि होगी, तो आपके वैवाहिक संबंध भी मजबूत होंगे और आप अपने जीवन साथी के अपने करीब महसूस करेंगे। और मार्च के बाद जब शनि 12वें भाव में गोचर करेंगे तो वैवाहिक तालमेल में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, वहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं, तो थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा और कोई भी वाद विवाद लंबा ना खींचे, यानी उसको बहुत दिनों तक ना चलने दें, वरना वो संबंधों को खराब कर सकता है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध आपके सामान्य रहेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं हैं, और वैवाहिक संबंधों में अगर कोई वाद विवाद चल रहा है उसको सुलझाना चाहते हैं, तो वर्ष 2025 में अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद है तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, और मध्य मई के बाद का समय उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, जब आप प्रयास करें आपको सफलता भी मिल सकती है, तो वैवाहिक संबंधों में मिला जुला सा समय रहने वाला है, तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं वर्ष 2025 में। तो मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।